हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटोरशिप। हमारी आज की वीडियो हाउ टू अप्लाई एनसीसी जीसीआई गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर फॉर्म पर है। ये फॉर्म एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ने एसएससी की वेबसाइट पर निकाले हुए हैं और इसमें आपकी कोई एक्सपीरियंस रिलेटेड, क्वालिफिकेशन रिलेटेड या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई मिस्टेक ना हो जाए और इस फॉर्म में क्या क्या मेंशन है अकॉर्डिंग टू आपका जो सिग्नेचर फोटोज़ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है इस वीडियो में हम देखेंगे। बिकॉज़ ये आपकी फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पर अगर कोई मिस्टेक होती है तो मे बी आपको आगे सफ़र ना करना पड़ जाए, तो इसके लिए ये वीडियो है। दिस इज़ द स्टेप वन वीडियो हाउ टू अप्लाई। द स्टेप टू वीडियो इज़ एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या जाती है एंड बुक्स कौन कौन से रीड करनी चाहिए, दैट इज़ स्टेप टू। सो वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखें हम कि हमें कैसे फिल करना है सो दैट की श्योरिटी हो जाए हमारा एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से सबमिट हो गया। नाउ कम टू दिस नोटिफिकेशन। आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं ये नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी अगर किसी से एसएससी की वेबसाइट पर नहीं ओपन हो रहा है तो। ओके, सबसे पहले जो आपको माइंड में रखना है इम्पॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। सो जो एप्लीकेशन की जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं दैट आर 24 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है एंड 25 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट एंड यू डोंट हैव टू वेस्ट फॉर द लास्ट डेट। ओके, सॉरी, वेट फॉर द लास्ट डेट। आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी इसको फिल करना है। 25 अक्टूबर तक तो आपको आधा सिलेबस ख़त्म कर देना है। ओके, सो ये दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक डेट जो और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो आपका सीबीई एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो जनवरी फरवरी में कभी भी हो सकता है, या तो जनवरी में होगा या फरवरी में, फिक्स है। डेट फिक्स नहीं है बट मंथ फिक्स है 2022। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड दिस पेज एंड सी व्हाट दे आर सेइंग। वो बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन पोस्ट इंडिकेटेड इन एनेक्सर 3 ऑफ दिस नोटिस। इनका ये कहना है कि जो भी आप फिल कर रहे हैं वो सब प्रोविजनल है स्टेज पर। प्रोविजनल मतलब क्या होता है, कच्चा। ओके, रॉ है वो। आपको अगर उन्हें कभी भी डाउट होता है आपके किसी डॉक्यूमेंट्स पे या कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है आपके एप्लीकेशन में तो आपको किसी भी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, फॉर एग्जांपल आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। ओके, तो कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि बी सर्टिफिकेट इनवैलिड होता है, तो मे बी उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया और उनका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया और वो एग्ज़ाम भी दे आए, उनको मेरिट लिस्ट में भी हो गया, कट ऑफ भी आ गई एंड जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई और तब उन्हें लगा कि नहीं, इसने तो बच्चे ने गलत फिल किया है, हमें सी बी नहीं सी चाहिए था, तो वो उसको उस स्टेज पर जाकर भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। वो क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि नहीं आपने मेरे को एप्लीकेशन के टाइम पर मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो प्रोविजनल ईच एंड एवरी स्टेज, जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती आपका जो प्रोसेस चल रहा है सिलेक्शन का वो सब प्रोविजनल बेस पे है। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट दैट। नाउ कम टू नेक्स्ट, दे आर सेइंग कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा किस पर मिलेगी, एसएससी की वेबसाइट पर, ssc.nic.in पर। और अगर आपको रीजनली चेक करना है अपनी पोस्ट के लिए, जैसे कि आपने GCI की जो वैकेंसी है वो सेंट्रल रीजन से अप्लाई करी है, तो अगर आप सेंट्रल रीजन की वेबसाइट पर जाएंगे जो कि क्या होती है SSC CR, जैसे ही आप टाइप करेंगे तो सेंट्रल रीजन की आ जाएगी, ठीक है। तो उसे रीजनल ऑफिसेज की साइट भी बोला जाता है। आप जब उस साइट पर जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि डे टू डे क्या आपके अपडेट हो रहे हैं, ठीक है, आपकी जो प्रोसेस चल रही है रिक्रूटमेंट की। नाउ कम टू नेक्स्ट, अब आपके इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है सी, जब भी आप कोई नोटिफिकेशन देखते हैं आपको जो ये ब्लैक पार्ट है इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इन्होंने इसको बोल्ड सिर्फ इसीलिए किया है ताकि कैंडिडेट बाकी सब जो इसमें दे रखा है उससे ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दें, ठीक है, जो डार्क पार्ट है। सो डार्क पार्ट क्या कह रहा है आपको कि आपको कैसे फिल करना है। आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना है, कैंडिडेट्स के डैशबोर्ड पर जाना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको ये वाली नोटिफिकेशन मिलेगी फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट एंड आपको पोस्ट डिटेल्स का जो लिंक है वो लिंक कहाँ है मैंने आपको बताया था, इस 113 पेजेस की PDF के एंड में सबसे जो लिंक है, सबसे जो लास्ट वाले पेज पे जो लिंक है उसमें आप पोस्ट डिटेल देख सकते हैं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कौन सी के लिए नहीं है। ओके, नाउ
दे आर सेइंग अबाउट फी कंसेशन, एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन. ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अगर कोई भी बच्चा एससी एसटी से बिलोंग करता है या ओबीसी से बिलोंग करता है एंड अभी भी अगर उनका सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, तो उनके पास जो लास्ट डेट हो जाती है वो लास्ट डेट उन्होंने क्या मेंशन किया, 25 अक्टूबर 2021. ठीक है, तो 25 अक्टूबर जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अगर उससे पहले तक आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, एससी एसटी बनवा लेते हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उस कैटेगरी के लिए भर सकते हैं. ठीक है, तो फॉर दिस सर्टिफिकेट्स लास्ट डेट क्या है, 25 अक्टूबर. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी आपकी लास्ट डेट क्या है, 25 अक्टूबर. तो जो भी आपको अपनी इनकम या एसेस्ट सर्टिफिकेट दिखाना है वो भी आपकी 25 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. ओके, नेक्स्ट ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय के लिए है, ये उन लोगों के लिए है ये वाले पैराग्राफ जो ऑलरेडी जॉब पर है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल किसी की जॉब ऑलरेडी लगी हुई है किसी भी पोस्ट पर, बट उसको फिर भी जीसीए का फॉर्म भरना है, तो ये उन सिविल सर्वेंट के लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, ये पैराग्राफ उनके लिए है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है. ये पीडब्ल्यूडी के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, बट जीसीआई में पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है, तो ये पैराग्राफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे स्क्रॉल करेंगे. नेक्स्ट, कम टू एज लिमिट. यस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी जो एज लिमिट है जीसीआई के लिए स्पेशली, वो आप ये मत देखना कि मैंने सी सर्टिफिकेट कब कंप्लीट किया या वो वाली मानी जाएगी, नहीं, आपकी 1 जनवरी 2021 को आप 20 ईयर्स से बड़े और 25 ईयर्स से छोटे होने चाहिए. ओके, आपकी जो एज है वो 20 से 25 के बीच में लाई करनी चाहिए एंड डेट इज़ 1 जनवरी 2021. ठीक है, इस डेट को आप 20 से 25 के बीच में लाई करनी चाहिए. ठीक है, दिस इज़ योर एज लिमिट. प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ माना जाएगा वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट को माना जाएगा. ओके, नेक्स्ट जो एज रिलैक्सेशन है, एक एज रिलैक्सेशन किस किस को मिली हुई है, देखिए अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, मान लीजिए जी सी आई में 25 है ना अपर एज लिमिट, तो 25 प्लस 5, तो जो एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं वो 30 ईयर्स तक जी सी आई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट फॉर ओबीसी, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आप 28 ईयर्स तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर यू. ओके, 28 ईयर्स तो बहुत होता है, सो आप अगर ओबीसी में आते हैं तो आप 28 ईयर्स तक कर सकते हैं. पीडब्ल्यूडी तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, एक्स सर्विसमैन भी नहीं, तो आप सिर्फ अगर एस सी एस टी से हैं तो प्लस 5 ईयर्स, 30 ईयर्स तक आप जी सी आई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स वो 28 के होने तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कम डाउन, ये एक्स सर्विसमैन के लिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. आई एम स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग. नाउ कम टू क्रूशियल डेट फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट. ठीक है, आपके जो क्वालिफिकेशन है लाइक आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है या फिर आपकी ग्रेजुएशन है, उनके लिए जो क्रूशियल डेट है, जो इम्पोर्टेंट डेट है, वो हो जाती है 1 जनवरी 2021. ओके, 1 जनवरी 2021 तक आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए. परसुइंग नहीं कि मैम मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ और रिजल्ट बाद में आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए. आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए. ओके, दैट इज़ कॉल्ड योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्योंकि वो आपकी परसेंटेज, पासिंग ईयर्स दोनों चीज़ें पूछने वाले हैं फॉर्म फिल कराते समय, तो कंप्लीट होनी चाहिए अप टू 1 जनवरी 2021. ओके, और जो आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए. एनसीसी के सर्टिफिकेट पर आप एंड में देखेंगे तो एक डेट मेंशन होती है, इशू डेट, कि आपको वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, तो वो डेट 1 जनवरी से पहले की होनी चाहिए. ओके, नाउ कम हियर. ओके, दिस इज इन बोल्ड लेटर्स, ये जो बोल्ड लेटर में ये आपको पढ़ना चाहिए. मैंने आपको बताया जो भी बोल्ड लेटर में है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. ये देखिए, ये बोल्ड लेटर में है, तो हम इसे पढ़ेंगे. कंपिटेंट अथॉरिटी अलॉन्ग द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एज एंड वेन कॉल्ड फॉर कमीशन आफ्टर द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फेलिंग विच देयर कैंडिडेटर शैल बी रिजेक्टेड. ये कह रहे हैं कि आपको जो आप फॉर्म फिल कर दोगे उसका प्रिंट आउट लेकर रखना आपको बहुत ज़रूरी है. जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपके पास वो
डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास, वो लोग नहीं प्रोवाइड कराने वाले। और कई बार क्या होता है कि वेबसाइट पर आप मान लो आपका एग्ज़ाम 6 महीने में हुआ, रिजल्ट 1 साल में आया, तो तब तक वो एप्लीकेशन फॉर्म शायद वापस ओपन ना हो, ठीक है, वो साइट आउट ऑफ रीच हो जाए। तो अभी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे प्लीज़ उसकी 3-4 फोटोकॉपीज करा के रखें, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो काम आती हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, हाउ टू अप्लाई, ये देखिए हाउ टू अप्लाई आ गया है। सो हाउ यू हैव टू अप्लाई इज, आपको ईच कैटेगरी के लिए, देखिए ये देखिए ईच कैटेगरी के लिए आपको पोस्ट सेपरेटली फिल करनी है। ऑलवेज पे फी, जब भी आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी, बट गर्ल्स में कोई फ़ीस नहीं होती। और क्योंकि आप GCI के लिए फिल कर रहे हैं तो GCI की जो वैकेंसी है ओनली फॉर वुमेन है, तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप ईच एंड एवरी रीजन के लिए फिल करेंगे, ओके, हर एक रीजन के लिए आप फिल करेंगे, चाहे वो CRO चाहे WRO, चाहे आपको वहाँ जाना ना हो, ठीक है। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ फिल करने के लिए, क्योंकि कई बार नहीं पता होता, आप दूसरे रीजन में भी सिलेक्ट हो जाएं, आपकी पोस्टिंग आपके रीजन में हो जाए। सो जब आपको एग्ज़ाम सिंगल देना है, अगर आप 5 रीजन के लिए भर रहे हैं तब भी आपको एक ही एग्ज़ाम देना है और आपका 5ों में हो जाएगा, और अगर आप 1 रीजन के लिए भर रहे हैं तो भी आपका एग्ज़ाम होगा एक ही और उसी में हो जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है जब एक ही एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो आपको सारे रीजन के लिए फिल करना है, एग्ज़ाम सिंगल होगा और आपकी कोई फ़ीस नहीं लगने वाली, ठीक है, बट अलग अलग रीजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे फिल करना है। नाउ नेक्स्ट, आपको कौन सी वेबसाइट पर जाके फिल करना है, http://ssc.nic पर। लास्ट डेट है 25 अक्टूबर, और 25 अक्टूबर में भी 11:30 बजे, ठीक है। आप सोचो कि मैं लास्ट दिन ही भरता हूँ, 12 बजे से पहले भर दूंगा, तो 12 बजे लास्ट टाइम नहीं है, 11:30 बजे लास्ट टाइम है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट, ये कह रहे हैं कैंडिडेट्स की भलाई के लिए ये बोला जा रहा है कि डोंट वेट फॉर टिल लास्ट डेट, वो खुद कह रहे हैं कि लास्ट डेट का प्लीज़ वेट ना करें, क्योंकि समटाइम्स इनएबिलिटी और डिसकनेक्शन की वजह से लास्ट डे पर वेबसाइट क्लोज भी हो जाती है, ठीक है। तो आपको लास्ट डे का वेट नहीं करना और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करना है। नाउ कम हेयर, सी कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी, आपको एक कैटेगरी के एक बार ही अप्लाई करना है, दोबारा एक और कैटेगरी फिल करनी है तो आपको वापस से फर्स्ट पेज पे जाना है, वापस से सारी प्रोसीजर्स करनी है, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट टेक अ प्रिंट आउट, फिर से वही वाली बात कि आपको प्रिंट आउट अपने पास रखना है, ड्यूली अटेस्टेड रखना है, DV के टाइम पर आएगा, और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वहाँ पर भी आपको ले जाना होता है। तो आपको जो भी फॉर्म आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं उसके ओनली सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में नहीं होनी चाहिए, हार्ड कॉपी भी आपके पास होने चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, अगर बॉयज़ भी किसी और पोस्ट के लिए अदर देन GCI के लिए फिल करते हैं तो 100 रुपीज़ है। नाउ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, मेरे पास एक कमेंट आया था एक बच्चे का कि मैम अगर मैं बहुत सारे रीजन के लिए भरता हूँ और मेरे को मेरा सेंटर दिल्ली में चाहिए, और मैं वेस्ट रीजन के लिए भी भर रहा हूँ, साउथ रीजन के लिए भी भर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा सेंटर कहाँ आएगा। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल फर्स्ट, कि फॉर एग्जांपल आपको वेस्ट रीजन के लिए भरना है, ओके, लाइक गुजरात मुंबई, आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए भी भरना है लाइक मिज़ोरम नागालैंड, ओके, और आपको साउथ रीजन के लिए भी भरना है, ठीक है। बट आप ये चाहते हैं कि आपका जो सेंटर है ना वो केरला में है, ठीक है, तो साउथ रीजन मतलब केरला में है, तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप तीनों पोस्ट के लिए कर रहे हैं बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कर रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड नंबर थर्ड नंबर आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना है ना, तो सबसे पहले आप उस पोस्ट के लिए फिल कीजिए जहाँ पर आपको सेंटर चाहिए, ठीक है। अगर आपको मुंबई सेंटर चाहिए तो आप सबसे पहले वेस्ट रीजन वाला फॉर्म फिल करिए, अगर आपको केरला सेंटर चाहिए तो आप साउथ रीजन वाला करिए, अगर आपको नागालैंड जाना है एग्ज़ाम देने तो आप पहले नॉर्थ ईस्टर्न वाला, अगर आपने फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न वाला फॉर एग्जांपल आपने नॉर्थ ईस्टर्न वाला भर दिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और आपने सेंटर डाल दिया नागालैंड, ओके, देन आपने वेस्ट वाला भरा, आपने सेंटर डाल दिया मुंबई, देन आपने साउथ रीजन भरा और आपने सेंटर डाल दिया केरला, ठीक है, बट आपका जो एग्जामिनेशन आएगा वो नागालैंड आएगा। जो भी फॉर्म आप सबसे पहले भरेंगे जिस पोस्ट के लिए, फर्स्ट पोस्ट जो आपको भरनी है वो ध्यान रखनी है कि मैं जिसके लिए भर रही हूँ वो मेरे एग्जामिनेशन सेंटर होगा, बाकी सब में आप कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर दे दीजिए वो नहीं आएगा, जो आप सबसे फर्स्ट पोस्ट में डालेंगे वही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको 5 से 6 रीजन या 5 से 6 पोस्ट के लिए भरना है
तो फर्स्ट जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर लें वो बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि उसमें जो आप सेंटर देंगे वही आपका फाइनल सेंटर होगा, ठीक है। अब सेंटर आपको कौन कौन से मिल सकते हैं, सबसे पहले देखिए, अगर आप सेंट्रल रीजन के लिए भर रहे हैं जिसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश माना जाता है, तो आपके सेंटर हो सकते हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज, ओके। नेक्स्ट ईस्टर्न रीजन के लिए अगर आप भर रहे हैं तो आपके सेंटर हो सकते हैं पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालासोर, बहरमपुर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कटक, देनकेनल, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, हुगली, कोलकाता एंड सिलीगुड़ी। सॉरी अगर मैं ये ईस्टर्न साइड वालों के नाम कोई गलत ले दिया, मेरी प्रोनंसिएशन उनकी लैंग्वेज के हिसाब से नहीं है, बिकॉज आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो थोड़ा सा साउंडिंग इफेक्ट आ जाता है, वो इस नाम को शायद किसी और तरीके से बोलते हो। नाउ कम टू कर्नाटका एंड केरला रीजन, कावर्ती, बेलागावी, बेंगलुरु, हुबली, कालाबुरागी जिसे गुलबर्ग बोला जाता है, मंगलुरु, मैसूरु, शिवमोगा, उडुपी, अर्नकुलम, कन्नौर, कोलम, कोट्टयम, कोझिकोड और थ्रिशूर, ठीक है। उडुपी तो आपको पता है, डोसा फेमस है उडुपी का, ओके। सो उडुपी इज़ अ शॉप जाकर डोसा फेमस है, मेरे को नहीं पता था कि उडुपी एक सिटी का भी नाम है, सो आई एम हैप्पी टू सी दिस, माय फेवरेट डिश इज डोसा, ओके। एंड त्रिवनंतपुरम। नाउ कम टू मध्य प्रदेश रीजन, सेंटर्स आर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर एंड उज्जैन। एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सेंटर्स आर ईटानगर, गुवाहाटी, इम्फाल, शिलोंग, एजवाल, कोहिमा एंड अगरतला। नाउ कम टू नॉर्थर्न रीजन, द सेंटर्स आर दिल्ली, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीनगर, उदयपुर, सीकर, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की। एंड हाँ, एक और बात, आपने देखा होगा नॉर्थ रीजन में GCI की वैकेंसीज नहीं है, बट आपको सेंटर नॉर्थ रीजन का चाहिए, जैसे दिल्ली, अजमेर, अलवर, आपको ये वाला सेंटर चाहिए क्योंकि आप रहते हैं यहाँ पर हैं और एग्ज़ाम देने दूर नहीं जाना चाहते, तो क्योंकि आप लड़की, आपके फॉर्म के पैसे भी नहीं लग रहे, तो वॉट कैन यू डू कि आप कोई ऐसी पोस्ट ढूंढिए नॉर्थ रीजन में, कोई भी पोस्ट रैंडमली, चाहे उसके लिए एलिजिबल ही ना हो, बट वो पोस्ट आप सबसे पहले फिल कर दीजिए, उससे क्या होगा कि आप उसमें सेंटर दिल्ली डाल देंगे, ठीक है, और बाद में अपनी पसंद की पोस्ट फिल करना, उससे क्या है आपका सेंटर दिल्ली आ जाएगा, आपको वो पोस्ट नहीं करनी है, ठीक है, आपको वो पोस्ट, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, मान लो आपके पास BSc है बट कोई BCom वाली पोस्ट भी है तो भी आप फिल कर सकते हैं, कुछ भी, अगर किसी में एक्सपीरियंस मांगा है आपके पास नहीं है तो भी, सिर्फ आप वो पोस्ट इसलिए फिल कर रहे हैं क्योंकि ना तो आपकी फ़ीस लग रही है, सिर्फ उस वजह से आपका जो सेंटर है वो आपको आपकी सिटी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे, जहाँ तक मेरे को याद है, नॉर्थ रीजन में बेटा NCC की वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है, GCI की, बट नॉर्थ रीजन वाले बच्चे फिर भी फिल करेंगे, ओके, वो अपना NCC का सर्टिफिकेट वेस्ट तो नहीं कर सकते, बिकॉज गॉड नोज कि अगली वैकेंसी एक साल में आए, दो साल में आए, जब तक आप 25 से ऊपर के हो जाओ, ठीक है। तो जिनको भी यहाँ पर सेंटर चाहिए नॉर्थ रीजन में, कौन सी सिटीज़ में, दिल्ली, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीनगर, उदयपुर, सीकर, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और रुड़की, जिनको भी ये सेंटर चाहिए और GCI के लिए आप फिल कर रहे हैं, तो आप कोई भी रैंडमली कोई भी पोस्ट उठाइए और उसमें ग्रेजुएशन की पोस्ट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन एंड अबव, तो आपका सेंटर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो आपके सेंटर हैं वो हैं चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांभा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना एंड पटियाला। नाउ कम टू साउदर्न रीजन, योर सेंटर्स आर हैदराबाद, कुर्नूल, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड मदुरई। इनके अलावा अगर आप कमेंट सेक्शन में ये कहें कि मैम इस सिटी में नहीं है क्या, तो नहीं है बेटा, जो सिटी यहाँ पर मेंशन है सिर्फ वहीं पर आपका सेंटर होगा। वेस्टर्न रीजन अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब वेस्टर्न रीजन में गुजरात का ओनली अहमदाबाद आया, तो समवन सेज कि मैम वडोदरा नहीं दे सकते क्या, तो नहीं दे सकते, ठीक है, तो जो अहमदाबाद है वही है बस, ओके। नाउ जो बात मैंने आपको बताई कि आपका जो रीजन है, आप एग्ज़ाम देने कहाँ जाएंगे, वो कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, ये 12.3 नंबर पॉइंट है, पेज नंबर 17 पर। तो देखिए, कैंडिडेट्स में केयरफुली नोट दैट द रीजन फॉर CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आपका जो रीजन है, वंस ऑप्टेड इन द वेरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको 4-5 भरनी पड़ेंगी, मतलब हर एक रजिस्ट्रेशन अलग अलग है ना हर एक पोस्ट के लिए, तो आपको 4-5 बार भरनी है, बट जो वेरी फर्स्ट, दे आर सेइंग वेरी फर्स्ट, जो सबसे पहले वाले नोटिफिकेशन में आप फिल कर देंगे एप्लीकेशन, उसी का जो आप सेंटर भरेंगे वही फ्रोजन कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, और बाकी सारे रीजन इरेस्पेक्टिव हो जाएंगे।
जो आप बाकी सब में भरेंगे, वो भरना तो है ही, वो तो फॉर्मेलिटी है, बट जो आपने फर्स्ट में फिल कर दिया दैट विल बी फाइनल। नाउ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आप पूछ रहे थे ना कि मैम कितने नंबर का क्या आएगा, तो हेयर इज़ द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बिल्कुल CGL बेस्ड होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीन लेवल दिए हैं, अगर आप देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल्स। तो आपका ग्रेजुएशन एंड अबव है क्योंकि आपसे ग्रेजुएशन एंड NCC का सी सर्टिफिकेट मांगा है, तो आपका जो एग्ज़ाम का नाम है वो ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल है। तीन पेपर होते हैं, ठीक है, तो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल है। आपका एग्ज़ाम का पैटर्न यही है, तीनों के लिए सेम है। आपका जो एग्ज़ाम है वो एक घंटे का होगा, इसको भूल जाइए जो ये 80 मिनट लिखा है, ये PWD स्टूडेंट्स के लिए होता है, ओके। सो आपका जो एग्ज़ाम है वो 60 मिनट्स का है। देखिए यहाँ पर टाइम बहुत कम होता है, 60 मिनट्स हैं आपके पास, ठीक है, और 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से मैथ और रीजनिंग आपका एक मिनट तो लेता ही लेता है। सो यू हैव टू बी फास्ट फर्स्ट थिंग, आपको एग्ज़ाम थोड़ा स्पीड में देना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक लगाने पड़ेंगे, ओके, एंड आपका हो जाएगा। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 100 क्वेश्चन है और मार्क्स कितने हैं 200, मतलब एक क्वेश्चन के दो नंबर मिल रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन सही होने पर आपको दो नंबर मिल रहे हैं, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो 2 का 1/4 आधा नंबर हो गया, तो आपका हाफ नंबर 0.50 मार्क्स कट जाएंगे एक क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपको गलत भी नहीं लगाने। अब देखिए जनरल इंटेलिजेंस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। अब जनरल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो जाता है, रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। क्वांटिटेटिव अवेयरनेस मतलब इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है, करंट अफेयर, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट आपके सिर्फ 25 मार्क्स के हैं। मैथ, अकेली मैथ आपकी 25 मार्क्स ही है, एंड इंग्लिश इज़ ऑल्सो फॉर 25 मार्क्स। बेसिक नॉलेज आती है इंग्लिश में, आपके टेंसेज, ग्रामर, ये सब आते हैं, फाइंड द एरर। सो आपके लिए इस एग्ज़ाम में जो स्कोरिंग हो जाता है, जैसे कि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जिसमें आपको सबसे कम पढ़ने की ज़रूरत है वो मैथ और इंग्लिश है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप आराम से 100 मार्क्स ओनली मैथ एंड इंग्लिश से ले सकते हैं। एंड रीजनिंग, जिन बच्चों को पता होगी जो थोड़ी बहुत कॉम्पिटिशन की तैयारी करते होंगे, रीजनिंग इज़ ऑल्सो ईजी, ठीक है। सो 150 मार्क्स आउट ऑफ 200 में से आपके जो 150 मार्क्स हैं वो ओनली ये इतने ईजी सेक्शंस में से आ रहे हैं। ओनली वो जो सेक्शन जनरल अवेयरनेस, जिनकी हिस्ट्री कमज़ोर है, किसी की ज्योग्राफी कमज़ोर है, कोई करंट अफेयर डेली अपडेट पे नहीं पढ़ता है, तो उनके उनको इस सेक्शन में मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप उसमें भी नहीं करते हैं, आप इन तीनों सेक्शन को अच्छे से कर सकते हैं, तो भी आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं, और GCI की आज तक की कट ऑफ कभी 80 मार्क्स से ऊपर नहीं गई है। और मेरे को एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि मैम रीजन वाइज कट ऑफ बता दीजिए, तो अभी रिसेंटली जो 2020 की कट ऑफ थी वो मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पर थी उसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया, चार सब्जेक्ट हैं सेम। अगर कोई CGL का एग्ज़ाम देता है तो CGL के पेपर भी आप उठा के देख सकते हैं, सेम लेवल होता है, ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, सेम क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है CGL एंड सिलेक्शन पोस्ट का, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम SSC कंडक्ट करा रही है तो सेम होता है। तो अगर आप NCC GCI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये होप मत कीजिए कि NCC रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, NCC रिलेटेड कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, इवन NCC की फुल फॉर्म भी नहीं आने वाली। सो NCC से रिलेटेड आपका इंडियन आर्मी, NCC कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए कॉमन एग्ज़ाम है, ठीक है, सो इट्स अ कॉमन एग्ज़ाम, तो सबके डिपार्टमेंट से इंडिविजुअली क्वेश्चन उठाने लग गए तो किसी को भी नहीं आएंगे, तो ये कॉमन एग्ज़ाम है जैसा CGL का होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 13.4 में दे रखा है कि स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो ये सबसे आपको डरना नहीं है क्योंकि आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होने वाला। ये अदर पोस्ट के लिए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, ठीक है। NCC GCI के लिए आपका जो पैटर्न है वो सिर्फ इतना सा है कि आपको ये एग्ज़ाम देना है, कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लेके आने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके पास NCC का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 जनवरी से पहले का, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही होने चाहिए, उसके बाद एक मेरिट बनाई जाती है, ठीक है,
मेरिट में कट ऑफ से ऊपर जो बच्चे होते हैं उनको लिया जाता है, और आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन तो आपका एनसीसी में भी होता है, तो इट्स अ नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसमें कुछ टफ नहीं है, कोई फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं है, एंड देन आपकी ज्वाइनिंग है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर पैरा नंबर 13.6 में बताया गया है कि आपको टेंटेटिव आंसर की प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो टेंटेटिव आंसर की आपको आ जाती है हमेशा, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे एसएससी में, वो एग्ज़ाम की टेंटेटिव आंसर की आपके पास आ जाती है। कंफर्म्ड वाली भी आती है, आपको पता होता है आपका कौन से क्वेश्चन आपने सही किए थे, कौन से गलत किए थे, आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो दैट आपको कोई ऑब्जेक्शन हो या आपके क्लैरिफिकेशन के लिए कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छा पेपर गया था, मेरे मार्क्स कम आए हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर आपका आपको प्रोवाइड किया जाता है विद आंसर की। नाउ कम नेक्स्ट टू मैट्रिकुलेशन लेवल। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए आपका लेवल कौन सा है, ग्रेजुएशन लेवल। सो हम स्क्रॉल करेंगे कहाँ पर, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल पर। देखिए ये आपका सिलेबस है जो एसएससी की वेबसाइट ने प्रोवाइड कराया हुआ है, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। ये सिलेबस मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही, ये सिलेबस हम डिस्कस करेंगे जब हम बुक्स एंड उनकी बातें करेंगे, अभी फॉर्म अप्लाई की कर रहे हैं बस, तो इस सिलेबस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा सिलेबस यहाँ पर आप इससे गो थ्रू हो सकते हैं, हम ये सिलेबस अलग से वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दे रखा है कि आपको कैसे फिल करना है ये एग्ज़ाम। यहाँ पर है ना पिक्चर्स भी प्रोवाइडेड की गई हैं, जब आप नीचे जाएंगे तो आपको ब्लू कलर की जो एग्जैक्टली जो स्क्रीन पिक्चर्स होती है ना वो आपको प्रोवाइड की हुई हैं। इट्स ऑन पेज नंबर, वेट अ सेकेंड, ओके आई एम स्टॉपिंग द वीडियो हेयर ओनली, कोई ग्लिच आ रहा है वीडियो में, यही वीडियो में नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।